नहीं नहीं वो बस थक गया उसका, आगे ना पैर का मसला आ गया, कोई बस कुछ भी नहीं होता, आ गया यहाँ पे पर कोई बात नहीं, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। रामचंद्र, रामचंद्र की रहस्यगाह कहते हैं, ये महल था रामचंद्र का। भूख लगी हुई थी तो मैंने यहाँ से बर्गर लिया अभी इस रोड से, और बर्गर तो बस नॉर्मल ही था, खा लिया। खैर उन्होंने आलू के कटलेट दिए थे हमें, बड़े हैवी किस्म के ना। हम इस वक्त हैं पिंड दादन खान और खेड़ा, जो थोड़ा सा मतलब हमारा सफर रह गया कल कहार को जिधर हमने जाना था, और पहुंचने वाले तो यार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत होगी। तो कल यार हमारा सफ़र काफ़ी लंबा गुजरा, और उसके बाद अब हम ना गलर कहार की तरफ जा रहे हैं। हमारा प्लान सून से केसर का था, लेकिन वो चेंज हो गया क्योंकि यार वहाँ पर ना सर्दी बहुत है और रास्ता भी नहीं ठीक, यहाँ पर रिश्तेदारों ने ही बताया था मुझे। और आए तो सीन ये है अभी कि भाई फ़िलहाल निकल रहा है आपका भाई और जा रहा है, और जाते हैं और फिलहाल चलते हैं। लोगों ने तो देखना ही है आपका कहा, अभी तो यहाँ पर लोग कह गए वाह, तो मैं कह रहा हूँ बस ऐसे लगा रहना चाहिए, लोगों को पता चलेगा हमारा। तो और सब ठीक है ना, सब फिट फाट है, और आपका भाई निकलता है अभी उधर को आगे को अपनी डेस्टिनेशन को, और मिलते हैं रास्ते में, आपको डेस्टिनेशन भी दिखाऊंगा जिधर जिधर जा रहे हैं। हमने शायद कटासवास जाना है, लेकिन शायद है, कन्फर्म नहीं है, देखते हैं चलें। ओके यार, धुंध तो पूरे पंजाब में है, ये देख सकते हैं आप आगे मौसम, मतलब के विजिबिलिटी है, लेकिन इतनी आगे जाके वो आगे जाके थोड़ी बहुत ही कम होती है, इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है, लेकिन धुंधलीला मौसम है। देखिए इधर भी फॉग आ जाती है शीशों पे दस्ती फौरन। हम तो रुके हैं अपनी गाड़ी की हवाएं चेक करवाने, और बस ये हवाएं चेक होती हैं जैसे ही, और हम अपने अगले सफर को निकलते हैं। बस मैंने ना आपको कुछ सुनाना था, हम ये कहीं ना ऊपर खापड़ रोड से जा रहे हैं, जोहराबाद से निकलती है रोड कलर का हार को, तो ये रावलपिंडी रोड है और हम जा रहे हैं। बस ये देख सकते हैं मौसम, व्यू चेक करें आप, इर्द गिर्द खेत ही खेत, खेत ही खेत। तो बस चलते हैं आगे को, अपना सफ़र हमारा जारी है अभी, अभी काफ़ी लंबा सफ़र पड़ा कलर कार का, मोटरवे आनी है, पहले मोटरवे आएगी फिर हम मोटरवे पर चढ़ के फिर कलर कार जाएंगे, ऐसा बस कोई सफ़र का सीन है यार। हर कल से तो मैं ड्राइविंग कर कर थक गया हूँ बड़ा ज़्यादा, मुझे जिधर भी मैं सफ़र में निकल जाऊँ ड्राइविंग करनी पड़ती है। खैर मुझे पसंद भी है, लेकिन थक भी जाता बंदा यार कभी कभी ड्राइविंग कर करके। तो आपको पसंद है तो आप मुझे बताएं कि आपको ड्राइविंग करना कितना को पसंद है, मतलब लॉन्ग रूट पर कितनी देर ड्राइव कर लोगे आप लोग। हम इस वक्त हैं पिंड दादन खान और खेड़ा, जो थोड़ा सा मतलब हमारा सफ़र रह गया कलर कहार को जिधर हमने जाना था, और पहुंचने वाले पहुँच के आपको मिलते हैं और वहाँ के सारे व्यूज़ दिखाने हैं यार आपको, आपके लिए तो बना रहा हूँ लोग, अपने लिए तो मैंने को तो खुद देख ही रहा हूँ यार। आपका भाई ना अभी मोटरवे चढ़ा है, वो भी लल्ला से, जहाँ हमें तकरीबन 50 किलोमीटर मोटरवे के लिए आना पड़ा है, क्योंकि हमने जाना था कलर कहार, और ये सॉल्ट माइन वाली रोड है जो चिट्टी रोड है वो शुरू हो गई है। देखो टिंडू भी आ रहा है, अब्दुल्ला भी आ रहा है पीछे, हमारे पीछे गाड़ियाँ भी आ रही हैं, रेस नहीं लगाने का दिल कर रहा मेरा ज़रा भी। अभी आपका भाई ना यहाँ पर स्टे, जो कलर कार से बिल्कुल पहले स्टे आता ना वहाँ पर स्टे किया था, वाशरूम वाशरूम वगैरह जाना था, अभी ये कलर कार चढ़ने लगे हैं और दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली है, जा रहे हैं पहाड़ों पे चढ़ने लगे हैं, बाकी मिलते हैं आपको ये पहाड़ क्रॉस करके वरना। तो आपको पता ना कि ये रोड खतरनाक है, भाई को तंग नहीं करना कि ब्लॉग ज़्यादा नहीं दिखाया आप। तो हम फिलहाल अभी इधर से कलर कहार पहुँचे हैं, और ये गेट वे दसून वैली भी है, और सूरज देख सकते हैं कितना तेज़ है, यहाँ पर धूप निकली हुई है माशाल्लाह, और ये कुछ यहाँ का व्यू है, काका हमारा शोर कर रहा है। तो हम फिलहाल अभी इधर से कलर कहार पहुँचे हैं, और ये गेट वे दसून वैली भी है, और सूरज देख सकते हैं कितना तेज़ है, यहाँ पर धूप निकली हुई है माशाल्लाह, और ये कुछ यहाँ का व्यू है, काका हमारा शोर कर रहा है। तो हम पहुँचे हैं कलर कार, हमने यहाँ पर ना लेक के पास रेस्ट करने का सोचा था, तो यहाँ पर तो यार इतना कुछ खास नहीं है जो बंदा कच कर सके, तो फिलहाल अभी यही सीन है कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलें और कटासराज टेंपल जाएं, और वहाँ से फिर हम आगे जाएं कहीं ना कुछ खाने पीने चले जाएं। बेरा में मैंने सुना है कि बहुत अच्छे फूड पॉइंट्स हैं, वहाँ पर चले जाएं। भूख लगी हुई थी तो मैंने यहाँ से बर्गर लिया अभी इस रोड से, और बर्गर तो बस नॉर्मल ही था, खा लिया। खैर उन्होंने आलू के कटलेट दिए थे हमें, बड़े हैवी किस्म के ना,
और वो है अभी बहुत हैश ब्राउनी दिए थे हमें उन्होंने 100 रुपए के कोई 5-6 खा गया अब्दुल्ला तो सारे नहीं अभी पड़ा है 3 है टोटल ये देखो ये देखो ये देखें साइज चेक कर साइज चेक करें आप और ये मास्टर को चेक करें तो यार यहाँ से ना अभी हम निकले हैं और मैं जा रहा हूँ कटास राज टेम्पल की तरफ तो देखते हैं वो देखते हैं जाके आपको लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ पर यार इतना खास व्यू ही नहीं था कोई मजा भी नहीं आ रहा था कोई बच्चों वाली जगह है बंदा मतलब मेरा काका बड़ा हो जाए थोड़ा फिर लेकर आऊंगा इसको यहाँ पर ताकि झूले झूले लेकर थोड़ा सा खुश हो जाए अभी फिलहाल हमने बिरयानी शिरयानी बर्गर शामी वगैरह इस तरह की चीजें कोई खाई पी हैं और आगे को जा रहे हैं बस अभी चलते हैं रस्ते की तरफ यार ये चकवाल वाले रास्ते से होते हुए आगे हम अब जाएंगे कटास राज टेम्पल और मतलब कि यही रोड है और सीधा जा रहा है अब देखते हैं किधर लेके जाता है मैं ये रोड मेजर साहब का इन्होंने पुतला बना के रख दिया बाकी इंसानों को बताना नहीं है कि मेजर साहब ने क्या काम किया था बेसिकली अब के यार हिस्ट्री बुक्स में वगैरह में ऐड करना चाहिए इन लोगों को टेम्पल पहुंचने लगा और यहाँ का इर्द गिर्द का व्यू मैं कहता हूँ कमाल हो गया है यार ये साथ पे खेत है और वो सामने पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और इस साइड पे भी पहाड़ नजर आ रहे हैं खेत क्रॉस करके वो देख सकते हैं मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है यार ये व्यू लेकिन बस रोड नहीं पसंद आ रही रोड थोड़ी सी खराब है लेकिन आया जा सकता है इतनी भी नहीं खराब थोड़ी थोड़ी चोटा आता है जहाँ पर खराब होती है बाकी सब ठीक है और मुझे आप अगर आप कोई कटास राज टेम्पल आया या फिर इस एरिया में आया तो मुझे कमेंट करके लाजमी बता देना कि यहाँ पर और कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करने वाली है जो बंदा देख सके जो व्लॉग वगैरह बना सके ओके तो मैं तो फिलहाल इधर पहुँच चुका हूँ कटास राज मंदिर टेम्पल जो भी है तो अब हमने आगे जाना है और हमने यहाँ की जगह देखनी है चीज़ें देखनी है जो यहाँ यहाँ पर है और मैं आपको भी दिखाता हूँ अभी ये सोया हुआ है इसको मुझे पकड़ना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं खैर है भाई हमारे एज अ गाइड हमें लेकर जा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें देखने वाली हैं और ये सारा इसका व्यू है हिस्टोरिकल व्यू है सारा वो मंदिर है टेंपल है इस तरह का ये सारा कुछ हो चुका है भाई अच्छा ये जो पानी अभी इसके अंदर मौजूद है ये ट्यूबवेल के जरिए लोड करते हैं चीफ जस्टिस निसार का केस था बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री वालों के साथ ये अभी ट्यूबवेल के जरिए लोड करते हैं अच्छा यहाँ पर मतलब वैसे पानी नहीं आता नहीं सर वैसे जो कुदरती पानी था और अब की तरफ से वो तो खत्म हो चुका है वाटर लेवल नीचे चला गया फैक्ट्री की वजह से सही अभी है। चलते हैं मेन मंदिर पे चलो हम अभी तो मेन मंदिर की तरफ जा रहे हैं देखने आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ श्री शिव जी का मंदिर जो है हम बस ये देखने ही आए हैं आज जूते वगैरह उतार रहे हैं ये जूते तार लिए जाए यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आ गए पूजा शूजा करते हैं यस सर अच्छा ये कब कब आते हैं यहाँ पर ये अभी हो गए कुछ लोग हार्ट से आए हुए थे अच्छा उन्होंने यहाँ पूजा पाठ की है सर पाकिस्तानी हिंदू आते हैं यहाँ पर हाँ जी वैसे जो इंडिया वाले वो साल में दो मरतबा आते हैं अच्छा हाँ सही है ये जो शिवलिंग कोई मसला तो नहीं होता नहीं मैं ना आ जाए कोई मसला नहीं ये जो शिवलिंग का उनका जो इस पे वो दूध वगैरह डालते हैं ये वो शिवलिंग है जिसका इस्लाम के दौर से 300 साल कबल मसीह पुरानी इमारत है ये शिवलिंग जो ये 5,500 साल पुराना है 5,500 साल पुराना पत्थर तो ये पंडित वगैरह का कमरा हाँ ये अभी इंडिया वाले हो गए हैं ना ये अभी पीछे उनका तो वो इंडिया के 12वीं की 20 तारीख आए थे यहाँ ये देखिए ये झंडियाँ भी लगी यहाँ बिल्कुल इसको सजावट की थी ये लाइटिंग से सजाया गया था कटास राज को बिल्कुल सही है लगाते हैं हाँ हा। वो लगा रहे हैं ये हमन जगह है सर अच्छा ठीक है सर वेलकम जूती उतार ले चले जाए ऐसे तो ये सारा अंदर का व्यू है ये सारा व्यू ये देखें ये पानी पहले ज्यादा होता था अब कम हो गया हुआ ये सारा उनका हवन कुंड है ये पानी गंदा भी हुआ हुआ थोड़ा थोड़ा तो ये सारा यहाँ का व्यू है बहुत अच्छा व्यू है खैर पुराना हिस्टोरिकल टेंपल बना हुआ है और इस तरह मतलब लोग आते हैं यहाँ पर साल में 2 दफा हिंदू वगैरह लोग जैसे पिछले वीडियोस में उन्होंने बताया आपको गाइड करें हमें थोड़ा सा
ये क्या जगह है साहब? जो हवेली है ये हनुमान की कहते थे, ये मंदिर है यहाँ, टेम्पल है हनुमान का। अच्छा, ये लॉक रहता है, ठीक है, इसका रिपेयरिंग का काम हो रहा है साहब। अच्छा, आगे चलते हैं, जो महल रामचंद्र का वो आपको विजिट कराते हैं। सही है, रामचंद्र की रहस्यगाह कहते हैं, ये महल था रामचंद्र का। अच्छा, ये बिल्डिंग की जो चौपाटी है ये पत्थर की लगाई गई है। सही, ये पत्थर है साहब। कितना दीवार की मोटाई तकरीबन 2.5 या 3 फुट के करीब है ये भाई। हाँ जी, ये उनके बेडरूम रहस्य कमरे हैं। और ये जो कमरा है इसको सुरंग बोलते थे, बस अभी हम ऊपर चल रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ ये सारा टेंपल का व्यू है यार, ये सारा अंदर। तो भाई साहब जो जगह है ये स्टूपा, ये जो सामने ये दीवारें बनी हैं छोटी। हाँ जी, ये स्टूपा इसको कहते हैं। अच्छा, ये 2 फुट बुलंदी थी, अशोका ने तामीर कराया था, मगर ये सारे सिर्फ आसार रह गए हैं भाई। सही है, चलते हैं आगे, पकड़ो चले। पांडुओं की तामीरात है। अच्छा, पांडु कौरव महाभारत के बजंग हुई थी, यहाँ 3 भाई यहाँ ठहरे, फिर दो नीचे वो गारे वहाँ ठहरे थे। ठीक है, रोड के पार ये वो साफ थी, लोगों ने बट्टे मार मार सारा तोड़ दिया। अच्छा जी, खराब कर दिया इसकी वजह से। हाँ जी, यहाँ ऊपर जाएंगे चारों घूम के एंड से जाके आप सीनरी की तस्वीरें लेके नीचे आ सकते हैं। अच्छा, जा सकते हैं। हाँ, आपके साथ चले दुल्ला, आता ना हुआ हो। हाँ नहीं नहीं, वो बस थक गया उसका, आगे ना पैर का मसला। आ जाए कोई मसला, कुछ भी नहीं होता, आ जाए यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। एक रास्ता थोड़ा सा है, रास्ता छोटे छोटे उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं और हम इधर घूम फिर रहे हैं। और ये देखें आप, हम जा ही जा रहे, आ जाओ आ जाओ, ऊपर ही आना है। अब्दुल्ला तो वापस चला गया, हम यहाँ पर सीनरी की देखो बनाने आए हैं, भूल गया है रास्ता। हाँ जी, वो रास्ता भी भूल गया था अब्दुल्ला, और हम तो इधर घूम फिर रहे हैं भाइयों। तो ये इनका सारा व्यू है, और वो फैक्ट्री है बहुत बड़ी सीमेंट की, ये पूरा व्यू हम घूम रहे हैं, और टेम्पल है ये बना हुआ पूरा, ये यहाँ पर ये देखें लोग, यहाँ से पूरा व्यू नज़र आ रहा है, ये सारा व्यू है टेम्पल का। तो हम वापस जा रहे हैं, ऊपर का व्यू हमने बना लिया था, और ये देखें आप बने किस तरह है, छोटा छोटा रास्ता, पूरा इंसान नहीं आता। और ये रास्ते देखें हमारे वहाँ का क्रॉसिंग उन्होंने बनाई हुई है, हर जगह से हवा क्रॉस हो सके, बिल्कुल पुराने जमाने की बिल्डिंग्स। तो ये यहाँ से वापसी का रास्ता है, पूरा टेंपल का व्यू यहाँ से भी नजर आ रहा है, हर जगह से टेंपल का व्यू नजर आ रहा है। फिलहाल तो भी चलते हैं, कलर का हार से वापसी हो रही है अब हमारी, पहले उधर गए थे कटास राज से वापस निकले, और ये बसों का बहुत सा झुंड जा रहा है, जो इनकी सेफ्टी के लिए इन्होंने एक नया सोल निकाल लिया। तो यार ये रोड बहुत खतरनाक हो गई है, जालम रोड हो गई है, आप देख सकते हैं, मुझे तो कुछ आगे नजर ही नहीं आ रहा, अंदाजे से बस जा ही जाओ जा ही जाओ। ये लीला से इंटरचेंज से उतर के ना राइड हो ना जब आप, तो ये वो रोड है। तो अब बात ये है कि बहुत एहतियात से चलाएं जब भी गाड़ी चलाएं, अगर इस रोड पे आए कभी तो। खैर अभी मैं जा रहा हूँ वापस जोहराबाद वाली साइड पे, और जोहराबाद पहुँच के आपको मिलते हैं, व्लॉग मतलब आगे दिखाएंगे। बस ठीक है।